अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। सजा भी, कोर्ट सजा भी दे रहे और शायद एक 10-15 दिन के बाद, मतलब अराउंड अगस्त फर्स्ट से हम ये थोड़ा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब जो लोग विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रहे हैं इनको इम्प्रिजनमेंट गारंटीड है। और सेकंड, अगर माइनर्स ड्राइव कर रहे हैं और इसको ट्रैफिक पुलिस पकड़े गए तो इनका पेरेंट्स को भी चार्जशीट करेंगे, इनको भी प्रोसिक्यूट करेंगे और 2-3 दिन इनका काउंसलिंग भी रहता। मतलब यहाँ ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोशामल को आके 3 दिन यहाँ काउंसलिंग भी वो लोग अटेंड करना है। और हमारा तरफ से रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से करके, मतलब अगर बच्चे लोग ये गाड़ी देने के लिए अगर प्रेशर रेज करें तो भी आप, हमारा तरफ से रिक्वेस्ट है कि क्योंकि प्रॉब्लम्स में आपके बच्चे लोग प्रॉब्लम्स भी पड़ेंगे और आप भी प्रॉब्लम्स भी पड़ेंगे, इसलिए हमारा तरफ से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा आपको बच्चा को संभाल के आप थोड़ा ये आपका जिम्मेदारी और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाने के लिए हमारा रिक्वेस्ट है। सर, इस बार खाली काउंसलिंग ही की है सर या कैसे? हाँ, तो पहली बार इसलिए क्योंकि हम काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन 10-15 दिन के बाद हम अनाउंस करेंगे। शायद अगस्त 1 से हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगस्त 1 से पनिशमेंट्स भी हम चार्जशीट्स करना और इनको प्रोसिक्यूट करना अगस्त 1 से अराउंड उसी टाइम पे हम शुरू भी करेंगे। कितने माइनर्स को पकड़े थे? माइनर्स को आज यहाँ पे 300 कुछ माइनर्स है, इनका पेरेंट्स भी आए, बहुत सारे पेरेंट्स भी आए और इनको काउंसलिंग करके उन लोगों को छोड़ रहे हम। लेकिन ये 10-15 दिन के बाद ये छोड़ने का ये बंद करेंगे हम, इनको चलान करना और इनको प्रोसिक्यूट भी करना शुरू करेंगे। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।